हेलो WWE फैंस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की मंडे नाइट रॉ कुछ ज्यादा खास तो नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं रॉ में जो रेसलमेनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में हमें रेटेड आर सुपरस्टार एज देखने को मिलते हैं। एज रिंग में आके फिन बैलर को बुलाते हैं, तभी रॉ पर जजमेंट डे के चारों मेंबर्स आ जाते हैं। एज रेसलमेनिया में हेल इन अ सेल मैच के लिए फिन बैलर को चैलेंज करते हैं। फिन बैलर थोड़ी देर बाद चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ट्विस्ट तब आता है जब फिन बैलर कहते हैं कि वो रेसलमेनिया में अपनी सेकंड पर्सनैलिटी यानी कि D1 फिन बैलर बनकर रेसल करेंगे। तो एज वर्सेस फिन बैलर हेल इन अ सेल एट रेसलमेनिया मैच ऑफिशियल हो गया है। तो रॉ पर नेक्स्ट हमें एक टैग टीम एक्शन जॉनी गार्गानो और डेक्स्टर लुइस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा था, खास करके जॉनी गार्गानो की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इस मैच में। मैच के एंड में डेमियन प्रीस्ट डेक्स्टर लुइस को पिन कर देते हैं और डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं। तो नेक्स्ट हमें मिज दिखाई देते हैं और हमें सडनली पता चलता है कि मिज इस साल की रेसलमेनिया के ऑफिशियल होस्ट हैं। तो मुझे लगता है WWE के पास मिज के लिए कोई प्लान नहीं है रेसलमेनिया के लिए, इसलिए उन्हें एक होस्ट के रूप में दिखाया जाएगा रेसलमेनिया में। मिज इंटरव्यू दे ही रहे होते हैं, तभी वहां पर डैमेज कंट्रोल ट्रिश स्टेटस पर बैकस्टेज अटैक कर देती है, जिसमें ट्रिश इंजर्ड हो जाती है। तो अब समय हो जाता है ओमोस और ब्रॉक लेसनर के फेस टू फेस आने का। तो हमें ओमोस MVP के साथ रिंग में आते हुए दिखाई पड़ते हैं। MVP कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर ने अपने करियर की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है ओमोस का चैलेंज एक्सेप्ट करके। देन सडनली ब्रॉक लेसनर आ जाते हैं। ब्रॉक लेसनर ओमोस फेस टू फेस होते हैं। ओमोस ब्रॉक लेसनर के साथ हैंडशेक करते हैं, बट ब्रॉक का हाथ नहीं छोड़ते। ब्रॉक ओमोस पर अटैक करते हैं, बट ओमोस ब्रॉक को रिंग के बाहर फेंक देते हैं। फिर वहां सिक्योरिटी आ जाती है और ब्रॉक लेसनर वापस चले आते हैं। तो मैंने ऐसा बहुत कम होते हुए देखा है कि ब्रॉक लेसनर पर कोई रेसलर अटैक करे और ब्रॉक वापस बैकस्टेज चले आए। ये तो कंफर्म है कि अगली बार ओमोस को सुप्लेक्स सिटी जरूर मिलेगी। वैसे ये मैच रेसलमेनिया में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट रॉ पर हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं, जहां हमें कोडी रोड्स वर्सेस एले नाइट के बीच एक एक्शन मैच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा था। मैच के एंड में कोडी रोड्स एले नाइट को पिनफॉल से हरा देते हैं। इसके बाद कोडी एक बहुत अच्छा प्रोमो देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में वो रोमन रेंस की अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनसे छीन लेंगे। तो नेक्स्ट हमें एलायंस वर्सेस ब्रॉनसन रीड के बीच एक मैच देखने को मिलता है। इस मैच में थोड़े से एक्शन के बाद ब्रॉनसन रीड पिनफॉल से जीत जाते हैं। तो इसके बाद हमें ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एंजेलो डॉकिंग्स के बीच एक मैच देखने को मिलता है। मैच काफी अच्छा था। एंड में ऑस्टिन थ्योरी एंजेलो डॉकिंग्स को पिन करके हरा देते हैं, जिसके बाद वो एंजेलो डॉकिंग्स को जॉन सीना का CST लॉक भी लगा देते हैं। तो इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो रिंग के अंदर आते हुए दिखाई देते हैं। रे मिस्टीरियो जैसे ही कोई प्रोमो देने वाले होते हैं, वैसे ही वहां पे डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो से कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन तुमने अपना पूरा समय WWE को ही दे दिया। तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुम एक बहुत बुरे फादर हो। मुझे एडी का ही सन होना चाहिए था। ये कहकर डोमिनिक मिस्टीरियो रे मिस्टीरियो को रेसलमेनिया के लिए 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो ये कहकर मना कर देते हैं कि वह अपने बेटे से कभी नहीं लड़ेंगे। ये कहकर रे मिस्टीरियो जाने लगते हैं और डोमिनिक मिस्टीरियो ने टीज भी करते हैं, लेकिन फिर भी रे मिस्टीरियो वहां से चले जाते हैं। तो इसके बाद हमें रॉ पे मिज आते हुए दिखाई देते हैं, जो कि इस साल रेसलमेनिया के होस्ट भी हैं। वो आके कमेंट्री टेबल पे बैठ जाते हैं। उसके बाद हमें बैरिंग कॉर्बन और सेट रॉलिंस के बीच एक एक्शन मैच देखने को मिलता है। इसमें सेट रॉलिंस बैरिंग कॉर्बन को मिज के ऊपर फेंक देते हैं और फिर सेट रॉलिंस बैरिंग कॉर्बन को पिन करके हरा देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें हमारी रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलर वर्सेस केल्सी ग्रीन के बीच एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। इस मैच में बियांका बेलर बड़ी आसानी से विन कर आती हैं, लेकिन विन करने के बाद कार्मेला उन पे अटैक कर देती हैं। तभी हमें वहां पे हमारी रॉयल रंबल विनर आसुका देखने को मिलती हैं, जो कि बियांका बेलर की मदद करती हैं। तो अब शो के मेन इवेंट का टाइम आ गया है, जो कि केविन ओविंस वर्सेस सोलो सुकोवा के बीच स्ट्रीट फाइट मैच हमें देखने को मिलता है। मैच बहुत ही एंटरटेनिंग था, बट जैसे ही केविन ओविंस सोलो सुकोवा को बैक स्टेज पर लेके जाते हैं, वहां उसोस आ जाते हैं जो केविन ओविंस को सुपर किक मार देते हैं। फिर उसोस सोलो सुकोवा मिलकर केविन ओविंस को रिंग पर लाते हैं और सोलो सुकोवा को हरा देते हैं। इस एक्शन के साथ ही आज की रॉ का एंड हो जाता है। वैसे रेसलमेनिया में हम सिर्फ 2 हफ्ते दूर हैं। रेसलमेनिया की ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।